हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियां देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी पहेली का जवाब आता है तो 10 सेकंड के अंदर हमें कमेंट कर दें, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बताएं वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। और इसका आंसर है मेंढक। सवाल है, वो कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज को देखता रहता है। जवाब है सूरजमुखी का फूल। सवाल है, आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। जवाब है लफ्स। और चलें अब पहली पहेली से स्टार्ट करते हैं। महद एक प्लेन से कहीं जा रहा होता है, तभी उसका प्लेन क्रैश करने लगता है। महद जल्दी से जाकर पैराशूट पहन लेता है। जैसे ही वो प्लेन से कूदने लगता है तो प्लेन का दरवाजा बंद हो जाता है और महद को एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा, इसके बाद ही तुम यहाँ से जा पाओगे। इसके बाद वो महद से पहला सवाल करता है, बताओ ऐसा क्या है जो गोल है पर बाल नहीं, पूंछ है पर पंछी नहीं, इसकी पूंछ पकड़कर खेलें बच्चे फिर भी इसके आंसू न निकलें। दोस्तों क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। और इसका सही आंसर है बलून। महद इसका सही जवाब दे देता है। इसके बाद वो महद से दूसरा सवाल करता है, बताओ महद 4+4=8 है और 2+2=6 है और 1+1=6 है, तो बताओ 5+5=2 क्या होगा। दोस्तों क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। 4 में होते हैं 4 लेटर, तो 4+4 हो जाएगा 8, यानी 4 letter + 4 letter = 8 letter। इसी तरह 2 में होते हैं 3 लेटर, तो 3 letter + 3 letter = 6 letter। 1 में भी होते हैं 3 लेटर, तो उसका जवाब भी होगा 6। और 5 में होते हैं 4 लेटर, तो 4 letter + 4 letter = 8 letter, यानी 5+5=8 है। महद इसका भी जवाब दे देता है। इसके बाद वो महद से तीसरी पहेली पूछता है, महद तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं, जिनमें से तुम सिर्फ 1 दरवाजे को चुन सकते हो। पहले दरवाजे के पीछे एक बड़ी रिवर है जिसे तुम तैर कर पार नहीं कर सकते। दूसरे दरवाजे के पीछे माउंटेन ही माउंटेन है, जिन पर तुम चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते थक जाओगे और मर जाओगे। और तीसरे दरवाजे के पीछे खुला आसमान है जो कि 1000 फीट ऊंचा है, यहाँ से तुम कूद कर मर जाओगे। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं महद को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। अब इसका आंसर देख लेते हैं। महद इन 3 दरवाजों में से तीसरा दरवाजा चुनेगा क्योंकि उसने पैराशूट पहना हुआ है। महद इन 3 सवालों का जवाब दे देता है और इसके बाद वो प्लेन से कूद जाता है। दोस्तों महद की जहानत के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। और सवाल है, वो क्या है जो आप एक बार खोल लें तो फिर बंद नहीं कर सकते। जवाब है अंडा।
सवाल है वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम दीवार की दूसरी जानब देख सकते हैं। और इसका आंसर है खिड़की। सवाल है वो कौन सा जानदार है जो जल भी जाए तब भी जिंदा रहता है। जवाब है जुगनू। सवाल है दुनिया का वो कौन सा जानदार है जिसकी जबान का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। जवाब है वेल मछली। सवाल है हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको उल्टा पढ़ने पर दूसरे हिस्से का नाम बनता है। जवाब है कान और नाक। कान को अगर उल्टा पढ़े तो नाक बनेगा ना। सवाल है वो कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान से अपने कान साफ करता है। और इसका आंसर है जराफा। सवाल है इंसान कौन सी चीज रोज इस्तेमाल करता है मगर देख नहीं सकता। जवाब है आवाज। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने तीन बच्चों को गिफ्ट मिलता है। दोस्तों क्या आप इन तीनों बच्चों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इनमें से किस बच्चे की दो माँ है। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है, तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले लड़के के पास एक कार है और दूसरे लड़के के पास दो कार है, लेकिन दोनों सेम कलर की हैं। और दरमियान वाले लड़के के पास भी दो कार है लेकिन दोनों का कलर डिफरेंट है। हो सकता है दरमियान वाले लड़के को ये दोनों कार दो अलग पर्सन ने दी हो। इसका मतलब दरमियान वाले लड़के की दो माँ है। वैसे दोस्तों ये मेरा नजरिया है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सवाल है वो कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है और दूध भी देता है। और इसका आंसर है वेल मछली। सवाल है किस जानवर में नर और मादा दोनों की खूबियां पाई जाती हैं? जवाब है कछुए में। सवाल है मरने के बाद कौन सा इंसान भूत बन जाता है। और इसका आंसर है कोई भी नहीं। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं। जवाब है अनार। पहली आज की सेगमेंट में आज की पहली हमें भेजी है एमडी घोष ने, आपका बहुत शुक्रिया। पहली है बताएं वो क्या है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। और इसका आंसर है कैमरा। कैमरे के सामने आते ही लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। चलें अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने एक सिंपल मैथ इक्वेशन है जो कि गलत है। आपको कोई सी भी दो मैच स्टिक को हटाकर इस इक्वेशन को दुरुस्त करना है।
तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर गैस कर पाए? अगर आप ये वाली मैस्टिक को और यहाँ वाली मैस्टिक को हटा दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6-5=1, जो कि बिल्कुल सही है। चलें अब एक और मैथ इक्वेशन देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको सिर्फ एक मैस्टिक को हटाकर इस इक्वेशन को दुरुस्त करना है। दोस्तों अगर आप ये वाली मैस्टिक को हटा देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 6-3=3, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे दोस्तों क्या आप इन दोनों मैस्टिक पजल को सॉल्व कर पाए थे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पहली आज के सेगमेंट में आज की पहली हमें भेजी है अबू बकर नसीम ने, आपका बहुत शुक्रिया। पहली है, बताएं वो क्या चीज है जो रात की रानी है, आंखों से उसके टपकता पानी है। तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है मोमबत्ती, जो के रात की रानी है और आंखों से इसके टपकता पानी है। वैसे दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पहेली हम वीडियो में ऐड करें तो जल्दी से अपनी पहेली और इसका आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें, और हाँ अपना नाम लिखना मत भूलना। चल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपने कितने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।